ये बहुत लाइट डिश है और बहुत बेहतर घर के बने हुए साफ सुथरी डिश है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, वो भी यहाँ आया करते थे और दाल चावल खाया करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इस दाल चावल का जिक्र मुझसे उस वक्त किया जब मैं ताजा ताजा सिटी कोर्ट में आया, मैंने बार ज्वाइन की थी। मैं हूं वाजिद दसवानी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची। अगर किसी ने दाल चावल खाने हो तो शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बहुत सारे जो ठेले हैं वो दाल चावल के लगे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन दाल चावल जो हैं वो सिटी कोर्ट में पाए जाते हैं। और सिटी कोर्ट के सामने एक साहब हैं जो अपने भोरी काका हैं, वो यहाँ पर दाल चावल लगा रहे हैं। गुज़िश्ता 25 साल से बहुत जायकेदार इनके दाल चावल होते हैं। अगर आपने ये दाल चावल नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। ये अगर आप ये दाल चावल खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने जायकेदार हैं। और जितनी कम कीमत इनकी है पूरे शहर में, इतनी कम कीमत पे कोई दाल चावल नहीं मिलता। और अगर कोई दाल चावल इस कीमत में फ़रोख कर रहा है तो इतने जायकेदार दाल चावल आपको नहीं खाने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं खाए हैं तो ये दाल चावल ज़रूर खाएँ। और आइए, मैं जो भोरी काका है इनसे इंटरव्यू करता हूँ, कब से ये दाल चावल लगा रहे हैं और कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है और इनकी टाइमिंग क्या है, आइए इस पर इनसे बात करते हैं। बस और मैं ये तकरीबन 25-26 साल से काम कर रहा हूँ। और स्टार्ट में तो समझो 10-12 रुपये की प्लेट होती थी, तो महंगाई के हिसाब से फिर भी कम से कम रेट रखा हुआ मैंने, 80 रुपये की प्लेट है और पार्सल 100 रुपये की होती है। और बस माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना करम किया है कि काम शुरुआत तो मैंने बस काम वाम नहीं था तो ये अपना काम शुरू किया मैंने, और इसमें अल्लाह पाक ने बस बरकत दी है और इज्जत दी है और काम चल रहा है। बस 10-12 किलो चावल निकलते, मैं खुद पकाता हूँ। और इसमें चावल है, दाल है, दाल मिक्स दाल होती है, अचार होता है, मसाला होता है। इसमें दाल में जो लौकी वगैरह मिर्ची वगैरह डलती है, बस वही जैसे आम से घर में दाल पकती वही है, कोई स्पेशल कोई मसाला इसमें नहीं है। टाइमिंग है मेरा 11 बजे आता हूँ मैं और 2:30 बजे तक फारिग हो जाता हूँ। इतवार को छुट्टी वाले दिन भी होते हैं। तकरीबन मुझे 2 से 3 साल का अरसा हो चुका है ये दाल चावल खाने का। ये बहुत लाइट डिश है और बहुत बेहतर घर के बने हुए साफ सुथरी डिश है। और बाकी इर्द गिर्द के मतलब माहौल में मैं जो खाने देखता हूँ तो मुझे बेहतरीन डिश यही लगती है। अमूमन मैं जब भी कोर्ट आता हूँ तो मैं यही मतलब लाइक करता हूँ खाना। सर मुझे जुडिशरी में आए हुए तकरीबन 14 साल हो गए, 14 साल से तो मैं इनके दाल चावल खा रहा हूँ। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, वो भी यहाँ आया करते थे और दाल चावल खाया करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस दाल चावल का जिक्र मुझसे उस वक्त किया जब मैं ताज़ा ताज़ा सिटी कोर्ट में आया, मैंने बार ज्वाइन की थी कि इनके दाल चावल बहुत अच्छे होते हैं, माशाल्लाह अच्छे हैं, टेस्ट हैं और हल्की फुल्की गज़ा है, तो जल्दी जूद हज़म भी है। इसी वजह से हम लोग यहाँ आते हैं और इसे खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। ये तकरीबन मुझे 3-4 महीने हो गए हैं। माशाल्लाह यहाँ के जो दाल चावल हैं वो बहुत टेस्टी हैं, जायकेदार हैं और इसमें जो है घर की लज्जत है और ये घर का खाना बना हुआ होता है और इसका रेट भी मुनासिब होता है। तो इस हवाले से जो है ये हर किसी के लिए मुनासिब रेट के हवाले से हर किसी के उसमें आ जाता है डोमेन में और माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खाना खाने के बजाय जो हम किसी और होटल में जाके खाएँ, यहाँ पर मुनासिब भी मिल जाता है और घर की टेस्ट भी मिल जाती है।